आखिर इस कंपनी में क्या चल रहा है, इस न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले ही लगातार कंपनी द्वारा ट्वीट किए जा रहे थे कि ये जो साल गया है इसमें जो हमारी सेल्स है ये 3 गुना हो गई है। मतलब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्टली फिगर आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ, कि हमारी सेल्स इतनी हो गई, इतने किलो बिरयानी चली गई हैं, इतनी सारी आप कह सकते हैं तमाम अन्य डिशेज हम भेज रहे हैं, प्लीज़ पहले ही ऑर्डर बुक कर दे कंजक्शन के कारण। और अगले ही दिन स्टॉक ने शानदार 1.5 से 2% के आसपास की तेजी दिखाई। इवन ऑन द टेक्निकल बेसिस 60 रुपए के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ। एग्जैक्टली उसी की शाम को एक खबर निकल के आती है कि इस कंपनी के जो CTO हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर दोस्तों, गुंजन पाटीदार साहब, वो रिजाइन कर चुके हैं। और ये रिजाइन इतना बड़ा इसलिए भी है कि ये CTO तो हैं ऑलरेडी, ये बहुत बड़ा कैंडिडेट पोजीशन होती है, लेकिन ये उन चुनिंदा एम्प्लॉयज में से एक थे जो बहुत अर्ली स्टेज में इस कंपनी के साथ जुड़े थे, वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स थे दोस्तों ये, और जोमैटो के को फाउंडर भी थे। ठीक है, तो ऐसा हो क्या गया है, निवेशक अब इस बात पे डर रहे हैं कि आखिर क्या इसमें कोई अंदर ही अंदर कोई बड़ा मैनेजमेंट क्राइसिस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, और एक्चुअली में इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग ऊपरी स्तरों में हैं वो क्या करें। ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं जोमैटो की। सबसे पहले डिस्क्लोजर दोस्तों, मैं खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा हूं जोमैटो में, निचले स्तरों पे है। दूसरी चीज, बहुत ही कम आप कह सकते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का पोर्शन है उसके बहुत मिनिमम साइज में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और मैं आप कह सकता हूं कि ये वन ऑफ सम ऑफ माय कॉन्ट्राबैट्स में से एक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे भी पता है, आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी और मेरा पर्सनल विजन क्या है स्टॉक को लेकर के। ठीक है, तो पहले डिस्क्लोजर दे दिया कि मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन, मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो यदि आपको लगता है मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूं, वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मुद्दों की। पिछले काफी समय से दोस्तों स्टॉक जोमैटो का, अगर आपको पता हो, मैंने शायद ही इस चैनल बात की है कभी जोमैटो के ऊपर, अगर की भी होगी तो एक बात जरूर किया हूं कहूंगा मैं, इतनी महंगी वैल्यूएशन, मतलब मुझे याद है जब लिक्विडिटी की जब गंगा बह रही थी, हर किसी ने हाथों ने कोशिश की, और जिस तरह के न्यू एज टेक के IPOs आया, जिस तरह की वैल्यूएशन देखने को मिली, अब क्या ही कहना चाहिए दोस्तों। निवेशकों, कई के निवेशकों को मैं जानता हूं दोस्तों, 50% 60% तक उनका जो टोटल आप कह सकते हैं जो पूरा का पूरा उनका इन्वेस्टमेंट है वो साफ हो चुका है। और सिर्फ जोमैटो की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम की बात कर रहा हूँ। इवन आप हमारा फेवरेट, जो मुझे पर्सनली भी काफी फेवरेट था न्यू एज टेक में, वो नाइका है, उसकी भी आप कह सकते हैं, तो जो एक लौता प्रॉफिट मेकिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक था उसमें भी गिरावट हो गई। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं जैसी IPO आया उसके बाद चीजें थोड़ी सी ठीक हुई, स्टॉक काफी ऊपर भी गया, लेकिन जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हुए, लगातार बड़े बड़े निवेशक, कह लीजिए जो pre-IPO इन्वेस्टर थे, कुछ और भी इन्वेस्टर थे, वो इससे लगातार निकलते चले गए दोस्तों। और अलीबाबा ने भी आप कह सकते हैं स्टॉक में, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप कह सकते हैं, मैं न्यूज पढ़ रहा था तो अलीबाबा ने भी दोस्तों उसमें अपने स्टेक सेल कर दिए। इतना ही नहीं, तमाम जो पहले के बड़े बड़े इनके, शायद आप को फाउंडर ले लें, आप कोई भी जो इनके शुरू के एम्प्लॉय थे, लगातार इसमें आप कह सकते हैं कि रिजाइन करने चले गए। स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गया, सिर्फ एक आदमी ही बच गया है, आदमी तो इट्स नॉट अ ग्रेट वर्ड, एक ही जो इसके शुरुआती दिनों में बचे थे, सिर्फ एक बचे हुए हैं, दीपेंद्र गोयल साहब। दीपेंद्र गोयल साहब अभी भी कंपनी में हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दीपेंद्र गोयल साहब भी हैं इस कंपनी में, और अब निवेशकों को ये लग रहा है क्या कुछ बहुत गलत हो रहा है कंपनी में, आखिर ऐसा चल क्या रहा है इसमें। तो देखिए मैं आपको समझा दूं, मुझे पर्सनली जो मैंने निवेश किया है, मुझे दो चीजें, जोमैटो, मुझे याद है एक इसकी खबर आ रही थी जोमैटो की कि अगस्त 2021, वन सेकंड मैं चेक करता हूँ, जी हाँ दोस्तों 31 अगस्त 2022 की खबर है, जोमैटो होपफुल ऑफ टर्निंग प्रॉफिटेबल विद इन 1 ईयर, एक साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये, ऐसा ऐसा जोमैटो का कहना था। ठीक है, लेकिन खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्लिंकिट के एक्विजिशन को लेकर के भी बहुत ज्यादा इसमें आप कह लीजिए कॉन्ट्रोवर्सी में कंपनी आ गई थी, प्लस
कुछ कुछ आप कह सकते हैं मैनेजमेंट को लेकर के क्राइसिस है, ये तमाम चीजें हो रही हैं और स्टॉक लगातार गिर रहा है। देखिए यहां पर आप कह सकते हैं कि इसमें आगे करना क्या है। मेरा पर्सनल व्यू है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ब्लिंकिट। जी हाँ दोस्तों, जोमैटो की जो एक्विजिशन है क्विक कॉमर्स की, ब्लिंकिट मुझे लगता है वो वाकई में गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन मैं आप बता दूं, ऑलरेडी 18 महीने वो लॉस करेगी कंपनी कह चुकी थी, और उस लॉस को बर्डन भी जोमैटो उठाने वाला है, आई नो दैट। लेकिन दोस्तों एज अ कॉन्ट्राबैंड मुझे लगता है जोमैटो आने वाले समय में प्रॉफिटेबल, यानी एक अगर मतलब ये जब मैं आपको रिव्यूज बता रहा था ये अगस्त की थी, मुझे चांसेस काफी कम लगते हैं कि ये प्रॉफिटेबल होगा। और मैं आप बता दूं, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, आई एम टेलिंग इट रिपीटेडली रिपीटेडली कि भाई अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाती है तो स्टॉक को आप छू भी नहीं पाएंगे। स्टॉक मुझे नहीं लगता कितनी तेजी दिखाएगा, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। लेकिन माय बेट इज ऑन ब्लिंकिट। और जोमैटो देखिए, एक आप कह सकते हैं कि अब वापस से एक नई टीम बना रहे हैं, एक नई चीजें कर रहे हैं, कुछ नया सोच होगी, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है। जिस तरह से तमाम नए नए पुराने लोग निकल गए, ऐसा भी हो सकता है भाई ये कुन चुनिंदा में थे तो कुछ कंफर्टेबल ना रहे नई टीम के साथ काम करने के लिए, इसलिए शायद निकल गए हों, तो ये कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है। और मेरा मानना यह है दोस्तों कि जब चीजें इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं और आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा प्ले लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जोमैटो जिस तरह की बिजनेस मॉडल चला रही दोस्तों, अगर आप विश्व में देखेंगे ना तो बहुत ही कम मुझे लगता है कंपनी ऐसी होंगी जो प्रॉफिटेबल होंगी। लेकिन हाँ, आने वाले समय मुझे लगता है जोमैटो को प्रॉफिटेबल करने में बहुत मेहनत करनी है। स्टॉक प्राइस 40 वो लेवल है जो मेरे नजर रहेंगे। अगर ये 40 से नीचे जाते हैं दोस्तों कभी ऑन द क्लोजिंग बेसिस, मैं एग्जिट करने की सोचूंगा दोस्तों। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर बाजार बहुत बड़ी स्तरों पर गिरेगा उसके कारण गिरावट होगी तो आई विल लेट इट गो, लेकिन हाँ कंपनी के कारण गिरावट होगी आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी। जोमैटो में दोस्तों मेरा विजन काफी लंबा है, कुछ कॉन्ट्रा प्लेस लेने चाहिए, तो ये मेरे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में है। मुझे पर्सनली लगता है कि जब तक दीपेंद्र गोयल साहब हैं तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं कि जो इन्फोएज के मालिक हैं उनकी भी इसमें होल्डिंग बची हुई है दोस्तों अभी भी, ठीक है। तो वो भी एक ऐसे इन्वेस्टर है जो स्टॉक में अभी भी उन्होंने कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन स्टॉक में अभी भी निवेशित है। तो जोमैटो में वो लोग मुझे लगता है निवेश न करें जो हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वाकई में दोस्तों ये हाई रिस्क नहीं, मुझे लगता है ये वेरी हाई रिस्क कंपनी है अभी भी। कैसे आगे मैनेजमेंट चलेगी, जो नई टीम आएगी वो कैसे काम करेगी, क्योंकि तुरंत आने के बाद तो आप काम करते नहीं, आपको थोड़ा समय लगता है एडजस्टमेंट के लिए, आप कैसे करोगे ये देखना जरूरी है। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए से इन्वेस्टर प्लीज से दूर रहें, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रा प्ले की तरह मैं खेल कह सकते हैं निवेश कर रहा हूं दोस्तों। तो ये स्टॉक एक अच्छी कंपनी, मैं कहूंगा कंपनी अच्छी है दोस्तों, कुछ बुरे फेज से गुजर रही है, बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, तो एक बार कॉन्ट्रा पे किया जा सकता है। लेकिन ये एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और भाई जब लोग 100 रुपए लेने तैयार है तो आपको तो 50 रुपए मिल रही है, तो वो निवेशक जो 100 रुपए में बहुत खुश थे आज मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों परेशान होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप नई पोजीशन के लिए सोच रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, ये एक अच्छा वैल्यूएशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। तो ये जो चल रही है दोस्तों प्रॉब्लम्स तो हैं, इसमें दो राय नहीं है, कंपनी के खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबल होना अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत टफ काम रहेगा, देखना ये रहेगा किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी क्वेरी थी जो सॉल्व करनी दोस्तों, बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।